हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं टेक गाइड। दोस्तों, फिलहाल जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है केंट वाटर प्यूरीफायर, और इसे हमने लगभग 20-25 दिन पहले मंगवाया था, इंस्टॉल करवाया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि ओवरऑल जो ये प्रोडक्ट आया था, अनबॉक्स करने के दौरान हमें क्या कुछ देखने को मिला था, इंस्टॉलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिला या फिर नहीं, और साथ ही साथ दोस्तों जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद से लेकर के इंस्टॉलेशन करने के बाद से लेकर के पीने तक पानी के किस तरीके का हमें मिला है, ये सारी तमाम जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर आपने मन बनाया है कोई भी प्यूरीफायर खरीदने का तो यार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जहां पर आपको हर एक डिटेल मिलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस प्रोडक्ट को हमने अमेजोन से परचेज किया था, कुछ बहुत ही बड़ा सा पैकेट के अंदर इसे हमें डिलीवर किया गया था, और इस पैकेट को जब आप ओपन करते हो तो अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से बबल रैपर के अंदर आपको ये प्रोडक्ट भेजा जाता है, तो टूटने फूटने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं होते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर से आप क्लियरली देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेना है डब्बे के अंदर से, और यहाँ पर अगर हम बॉक्स के ऊपर की बात करते हैं तो काफ़ी सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको चार चीज़ मिलता है, आर ओ, यू वी, यू एफ और टी डी एस। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन रिलेटेड डिटेल्स आपको मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 8 लीटर का टैंक दिया गया है और 15 लीटर पर आवर के हिसाब से इसकी प्योरीफिकेशन की कैपेसिटी है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप राइट साइड की तरफ देखोगे तो यहाँ पर और भी डिटेल्स आपको मिल जाता है, जैसे इसका जो ग्रॉस वेट है वो लगभग 10 केजी के आसपास है, और टोटल जो पावर कंज्यूम करेगा ये लगभग 60 वॉट के आसपास कंज्यूम करता है। और साथ ही साथ दोस्तों जो इसका प्राइस है एमआरपी, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 19,000 के आसपास आपको मिलता है, और अगर आप इसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से जाकर के खरीदते हैं तो आपको लगभग ये 14 से 15 हज़ार के आसपास मिलता है, और उसका बेस्ट बाय लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसका जाकर के उपयोग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जल्दी से हम इसके सील को ओपन करते हैं और देखते हैं कि अंदर हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो हमें रेड कलर का एक बैग मिलता है जहां पर आपको सारी चीज रखे हुए हैं। तो पहला जो कंटेंट है वो है यूजर मैनुअल, जहां पर आपको सारी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा केंट का, और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर 4 ईयर का जो फ्री सर्विस है उसमें पहले साल तो आपको वारंटी वाला मिलेगा, और फ्री सर्विस तो मिलेगा ही, और बाकी के जो 3 साल होंगे उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिलेगा, यानी कि जो बंदे आएंगे केंट के वो आपसे पैसे नहीं लेंगे अगर आपका प्रोडक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, बस प्रोडक्ट के अंदर का जो सामान होगा उसी का पैसा आपका लगेगा। तो ये काफी अच्छी बात मुझे लगी 4 साल के लिए यार, तो मुझे तो सर्विस वालों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यहीं पर दोस्तों एक और पैकेट मिला है जहां पर जो फिटिंग का सामान है वो सारा चीज यहां पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको 2 क्लिप मिलता है जो कि वॉल के अंदर जाएंगे, इसके अलावा यहां पर आपको एक अलग सा सेट मिलता है जो कि आपके टैप होंगे, यानी कि जो नल है उसको अगर आप ओपन करोगे तो ये लगाना होगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, ये जो भी सर्विस वाले आएंगे वही करेंगे। और एक अलग सा आपको की मिलता है ताकि अगर आप कहीं बाहर जाते हो 10-15 दिन के लिए तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं, और यहां पर दोस्तों आपको 2 अलग सा स्क्रू भी मिलता है। तो ये सारी चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, जो बंदे आएंगे वही करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अलग से 2 आपको पाइप मिलता है, जहां पर व्हाइट वाला जो पाइप है वो मेन पाइप है और जो ब्लू वाला पाइप है वो एग्जॉस्ट पाइप है, जहां से पानी आपका एग्जॉस्ट वाला बाहर निकलेगा। तो अभी तक वाला जो अनबॉक्सिंग आपने देखा ये हमने खुद से किया था, इसके बाद का जो अनबॉक्सिंग का पार्ट था वो आए थे सर्विस वाले, जिन्होंने मुझे कॉल किया था, अपॉइंटमेंट लिया था, और उसके बाद वो जब आए थे तब जाकर के दोस्तों उन्होंने ओपन किया था प्रोडक्ट को, और बाहर निकालने के बाद कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको दिखता है। वो सब कुछ से सेट किए थे अपने हिसाब से, उसके बाद वॉल पे ड्रिल ये सब करने के बाद लगभग 1 घंटे के आसपास उन्होंने फिट कर दिया था। और इस प्रोडक्ट में 60 वाट होने की वजह से दोस्तों आप चाहो तो इसे इन्वर्टर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो इंस्टॉलेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पर्सनली कॉल आ जाएगा, अपॉइंटमेंट आप अच्छे तरीके से ले लेना। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारे घर के अंदर यानी कि किचन के अंदर इंस्टॉल हुआ था, और ये जो व्हाइट कलर का आप पाइप देख रहे हैं ये बेसिकली हमारे टैप से कनेक्टेड है, जहां पर टंकी का पानी, जो बेसिकली हमारा बोरिंग का पानी टंकी पे आता है और फाइनली इसके अंदर जाता है। बहुत सारे आपको अलग अलग फिल्टर्स मिलते हैं, यूवी फिल्टर, कार्बन फिल्टर, आरओ, ये सब करने के बाद इसके अंदर का जो 8 लीटर का टैंक है उसके अंदर जाकर के सारा फिल्टर किया हुआ पानी आराम से स्टोर होता है, और इसे हम आसानी से ओपन करके पी सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। अब यहीं पर अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो सिंपली आपको स्विच को ऑन करना है, उसके बाद यहाँ पर जो केंट है उस पर आपको रेड कलर का लाइट ग्लो करता हुआ दिखेगा, जो कि थोड़ी देर के बाद ग्रीन कलर से ग्लो करेगा दोस्तों, और उसके बाद इसके अंदर के लगे हुए मोटर आराम से इसके अंदर से पानी सक करेंगे। इसके
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यूवी वाला जो आपको ऑप्शन मिल रहा है उस पर आपको दो अलग से लाइट ग्लो करता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर पूरी तरीके से फिल्ट्रेशन चल रही है और यहाँ पर से जो ब्लू कलर का आपको पाइप मिल रहा है उससे जो भी पानी एग्जॉस्ट मतलब जो अनफिल्टर्ड पानी है वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं और कितना पानी वेस्ट होता है इसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद आपको आराम से बताऊंगा दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये फिल्टर हो जाता है, लगभग हाफ एन आवर 45 मिनट के आसपास ये पूरी तरीके से फिल्टर कर देता है और उसके बाद आप ऑफ कर सकते हैं स्विच को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फाइनली दोस्तों 10-15 दिन जब हो जाते हैं तो इसके नीचे में एक अलग सा आपको एग्जॉस्ट करने वाला पानी के लिए की मिलता है, मतलब बेसिकली इसे अगर आप ओपन करोगे तो जो भी आपके बचे खुचे पानी होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हर 10-15 दिन के बाद आप इसे ऑन करके एक बार पानी को हटा लेना ताकि आप अच्छे तरीके का पानी को दोबारा यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहीं पर दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, सर्विस की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है, आपको नंबर नोट करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चारों कंट्रोल्स आपको मिलते हैं जो कि अच्छी बात है। तो ओवरऑल हमने काफ़ी दिनों से इसका इस्तेमाल किया है और जो क्वालिटी है वाटर की वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। तो फाइनली दोस्तों आपने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जान लिया, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी टिप्स देना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आखिर इस प्रोडक्ट को हमने क्यों परचेस किया और आपको अपने घर पे क्यों लगवाना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, आपके घर में कहीं ना कहीं से पानी ज़रूर आता होगा जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, अलग अलग गंदगी होती है, उसे या तो आप बॉयल करके पीते होंगे या फिर आप बाहर से परचेस करते होंगे पानी। तो हमारे घर का भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही था और हमारे घर में एक बोरिंग भी लगा हुआ है जहाँ पर का अगर TDS जब हमने चेक करवाया था तो लगभग था वो 450 के आसपास, तो वो पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं था, साथ ही साथ वो खारा पानी था तो उसे तो हम बिल्कुल भी पीते नहीं थे। लेकिन यार अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना एक वाटर प्यूरिफायर मंगा लिया जाए जहां पर हमें ये सब चीज करने की जरूरत ना पड़े। और उसके बाद जब से हमने इसे इंस्टॉल कराया अपने घर पे, उसके बाद दोस्तों जब हमने इसका TDS वैल्यू 70 के आसपास जब सेट कराया है तो सबसे पहली बात खारा पानी बिल्कुल खत्म हो गया है, मीठा पानी बिल्कुल इसके अंदर से आता है जो कि अच्छी बात है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें गर्म करना और वो सब जो झंझट होता है वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके घर में TDS का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उस केस में दोस्तों आपको डेफिनेटली एक वाटर प्यूरिफायर लगाना चाहिए। आप देख लेना, अगर आपको केंट का लगाना है तो ये मॉडल काफ़ी अच्छा है, आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। अब यहीं पर दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन मन में आता है कि इंस्टॉलेशन चार्ज हमें कितना देना पड़ेगा और सर्विस क्या हमें प्रॉपर मिलेगा हमारे घर तक या फिर नहीं। तो सबसे पहले अगर सर्विस की बात करते हैं तो आपने देखा कि यहाँ पर एक बंदा आया था जो कि हमारे घर पर ये इंस्टॉल करके चला गया। तो मेरा जो घर है दोस्तों वो टाउन पास नहीं है, वो थोड़ा सा दूर है, तो कहीं ना कहीं मुझे जब सर्विस मिला तो अगर आप एक अच्छे जगह पर रहते हो तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है सर्विस से रिलेटेड। यहीं पर दोस्तों आपको 4 साल का फ्री सर्विस मिलता है, पहला साल तो आपको वारंटी ये सब जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वो तो मिलेगा ही, इसके अलावा 3 साल का आपको एक्स्ट्रा से सर्विस चार्ज फ्री मिलेगा। यानी कि अगर आपके घर में कोई आता है, बंदा आता है, तो उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेंगे, बस प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन या फिर कुछ भी अगर खर्च वर्च होगा प्रोडक्ट का ही वो आपको पैसा देना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल सी बात है। तो ये मुझे अच्छा लगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन चार्ज की, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया मुझे कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना पड़ा और जैसे ही ये प्रोडक्ट मेरे घर पे डिलीवर हुआ था उसके 2 दिन के बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया, जो कि अच्छी बात है। तो इंस्टॉलेशन चार्ज तो आपको बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा और सर्विस से अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको जानना है, तो कस्टमर केयर पर एक बार आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन मन में आ रहा होगा वो ये है कि पानी कितना ज़्यादा वेस्ट होता है। तो देखो यार, जब मैंने इसे इंस्टॉल कराया था तो जब मैं घर पे आया हूं अभी फिलहाल, तो मैंने इस पे टेस्ट करने के लिए इसे पूरी तरीके से एम्प्टी कर दिया था और उसके बाद ऑन कर दिया था। जो ब्लू वाला मैंने आपको पाइप दिखाया था जहां से पानी एग्जॉस्ट निकलता है, उसे एक बकेट में मैंने जब डाला तो मैंने ये देखा कि लगभग 8 लीटर का जो टैंक है वो फुल होने में लगभग 20 लीटर का पानी बर्बाद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी का तो वेस्टेज होता है, अगर आपके घर में दिक्कत है तो इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर सोचना। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों जो पानी बाहर वेस्ट होकर के निकला है उसे आप कहीं पर स्टोर कर सकते हैं, फ्लोर को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कपड़े धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप अगर आइडिया लगाओगे तो कर सकते हो। बस यार वो जो एग्जॉस्टेड पानी है उसे आपको बस पीना नहीं है, बाकी मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये पॉइंट भी मैंने सोचा क्यों ना आपको इसी वीडियो में बता दिया जाए। और लास्टली दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर मॉडल को जो अभी आप फिलहाल देख रहे हैं यहां पर कोई भी वाटर लेवल आपको देखने को नहीं मिलता है। तो मैंने देखा इसका जब हायर वेरिएंट को अगर मैं खरीदना चाह रहा था जहां पर वाटर लेवल आपको इंडिकेटर मिलता है तो उसके लिए मुझे लगभग 1500 रुपया एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा यार कि क्या फर्क पड़ता है, फिर मैंने जब रिसर्च किया तो देखा दोनों मॉडल बिल्कुल सेम है, बस एक वाटर लेवल इंडिकेटर की वजह से उसका जो प्राइस है लगभग 1-1500 रुपया बढ़ जा रहा है।
तो मेरे हिसाब से अगर आपको उतना ज़्यादा फैंसी चीज़ नहीं चाहिए, वाटर लेवल इंडिकेटर हो गया या फिर डिजिटल अलार्म टाइप का जो भी आपको फंक्शंस नहीं चाहिए, तो यार आप पैसे बचा सकते हैं, इस मॉडल को भी देख सकते हैं। इसका प्राइस लगभग आपको 14-15 हज़ार के आसपास मिलता है और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट फिर भी अगर आपको क्यूरियोसिटी है, जानना है, अगर आपको हायर वेरियंट्स भी खरीदने हैं तो उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के जरिए आपको पता चल गया होगा कि अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन मंगाते हैं तो किस तरीके से यह आता है, इंस्टॉलेशन चार्ज कितना लगता है, और सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दिया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइएगा। खरीदना होगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।